सर मैडम नमस्ते सर। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम सैयद रुखसार अमरीन है सर। क्या करती है आप? मैं एक टीचर हूँ सर, प्राइवेट टीचर हूँ सर। ठीक है, सो आगे इलेक्शन में कौन जीतेगा अम्मा? स्टेट सर, नो डाउट सर, कैसा भी बीआरएस पार्टी जीतेगी सर। बीआरएस पार्टी जीतते बोल कैसा कैसे बोल सकती? क्योंकि वो हम लोग के लिए जो लोग हैं यहाँ के तेलंगाना पीपल हैं उन लोग के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं सर। जैसे कि बहुत सारे जो डबल बेडरूम बोल सकते हैं या आरोग्य श्री बोल सकते हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए जो भी के वो बोल सकते हैं। और मैं आज ये लेवल पे टीचर हूँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपना मास्टर्स सर के वजह से ही कम्प्लीट की। क्योंकि हमको पीजी में ना ओसी वालों को जो अदर कास्ट पीपल रहते हैं उन लोग को ना रीएम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप दे के हम ये स्टेज पर आज है बस केसीआर सर के वजह से ही है सर। और बहुत सारे हैं सर, जैसे कि हम जैसे टीचर्स है वो कोरोना के टाइम पे ना वो 2000 और बारीक चावल देके हमको ना बहुत सारा हेल्प हो गया सर वो टाइम पे। सो ऐसे कोई कोरोना के टाइम पे कोई स्टेट्स वाले कोई से दूसरे गवर्नमेंट्स नहीं किए जितना केसीआर हमारे तेलंगाना पीपल के लिए जब किए थे। ये अपोजिशन पार्टी वाला बीजेपी नहीं तो कांग्रेस और एक पार्टी केसीआर गवर्नमेंट कुछ नहीं किया अब तक। आगे इलेक्शन में कंपलसरी मेरा गवर्नमेंट आता बोल के कांग्रेस वाला उधर बीजेपी वाला बोल रहे हैं, क्यों बोले तो पीपल चेंज एक्सपेक्ट कर रहे बोल रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलती सर? ऑलरेडी कांग्रेस वालों को और बीजेपी वालों को जितना भी चांस देना था वो 10 years बैक वो दे दिए थे सर। और अभी जो गवर्नमेंट चल रही वो ऑलरेडी चेंज दिखा के है सर। सो इसीलिए हम लोग अभी बीआरएस पार्टी आना बोल के हम लोग सब यही सोच रहे हैं सर हम। और माइनॉरिटीज़ के लिए वो जो भी किए हम बहुत बहुत आभारी है सर उनके। और माइनॉरिटीज़ के लिए जैसे कल्याण लक्ष्मी, नॉट ओनली माइनॉरिटीज़ बट ऑल्सो बीसी वालों के लिए जो भी हो कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक दे के ना ये हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो रहा सर ये सर वजह से। बहुत हम लोग बहुत खुश है सर और हम डेफिनेटली चाहेंगे कि बीआरएस पार्टी ही जीते, कंपलसरी बीआरएस पार्टी ही जीतना बोल के हम लोग सबको है सर। सो ठीक है अम्मा, ये वरंगल वेस्ट कान से आए तो कॉम्पिटिशन बहुत हेक्टिक है, इवन बीआरएस पार्टी तरफ से और कांग्रेस और बीजेपी इवन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी कंटेस्ट कर रहे हैं। ये वरंगल वेस्ट बोले तो सिर्फ एजुकेशन वोटर्स ज़्यादा रहते, सो ये पार्टी पे एमएलए कैंडिडेट कौन आए तो अच्छे रहते सर? नो डाउट सर, दासे विनय भास्कर आए तो ही अच्छा है क्योंकि इस पे भी एक रीज़न है सर। जब आप अपनी प्रॉब्लम लेके जब विनय भास्कर सर के पास जाएंगे तो वो अपने जो भी उनके असिस्टेंट है उनको बोलेंगे कि उनके प्रॉब्लम्स लिख लेना और वो बराबर वो प्रॉब्लम पे वो उसको कंपलसरी उस पर क्या बोलते स्टेप लेते और वो प्रॉब्लम पूरी कंप्लीट करके फिर हमको देते। और इतनी ज़्यादा अच्छी रिस्पॉन्स रहती विनय भास्कर सर के पास है कि हम बता नहीं सकते। वो यंग लीडर है और कंपलसरी वो आपके वही आएंगे एमएलए के तौर पर। सो ये टाइम पे वरंगल वेस्ट एमएलए विनय भास्कर आए तो मिनिस्टर बनेगा डेफिनेटली सर।